लेकिन अब वक्त हो चला है जम्मू कश्मीर की खबरों को आप तक पहुंचाने का। तो इस वक्त की ताजा जानकारी हम आपको देते हैं क्योंकि ये जानकारी बड़ी है। और ये कहा जा रहा है कि तारिक हमीद कर्रा साहब ने चुनावों को लेकर एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट हम आपको दिखाएं, उससे पहले जानकारी दे देते हैं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है। कर्रा साहब ये कह रहे हैं, ईवीएम और चुनाव संबंधी सामग्री से करीब 150 ट्रक जम्मू पहुंचे हैं, ये उनका दावा है। और रात के अंधेरे में सामान उतारकर सचिवालय में रखा गया है। तारिक हमीद कर्रा साहब ये कह रहे हैं, वो दावा ठोक रहे हैं दरअसल। और उनकी तरफ से बाकायदा ये ट्वीट भी किया गया है और वो बता रहे हैं कि कैसे ईवीएम और चुनावी संबंधी सामग्री से करीब 150 ट्रक जम्मू पहुंचे हैं। इस ट्वीट को आप देखिएगा, तारिक हमीद कर्रा साहब का ये ट्वीट है जो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले ये ट्वीट किया गया है कांग्रेस नेता तारिक हमीद कर्रा की तरफ से। और तारिक हमीद कर्रा साहब ट्वीट कर रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज चल रही हैं, बाकायदा वो कंफर्मेशन कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ईवीएम और चुनाव संबंधी सामग्रियों को 150 ट्रक के जरिए जम्मू पहुंचाया गया है, यानी वो जम्मू आ गए हैं और रात के अंधेरे में सामान उतारकर सचिवालय में रखा गया है। यानी इससे ये समझे कि क्या जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं, ये तो वक्त ही बता पाएगा, कोई ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन पूरी खबर जानने के लिए रुक करते हैं, इश्फाक गौहर का एग्जीक्यूटिव एडिटर है, हमारे सीनियर साथी हैं, पूरी नजरें इस खबर पर बनी हुई हैं। इश्फाक बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या कहेंगे तारिक हमीद कर्रा साहब, तो दावा कर रहे हैं, बाकायदा ट्वीट भी किया गया है कि 150 ट्रक जम्मू पहुंचे हैं और सचिवालय में रात के अंधेरे में ईवीएम और चुनाव संबंधी सामग्री को रखा गया है। क्या वाकई ऐसा है और आगे आने वाले समय में और हलचल होने जा रही है? देखिए, जहां तक तारिक हमीद कर्रा साहब की बात करें, कांग्रेस के सीनियर लीडरों में गिने जाते हैं, फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, पीडीपी के साथ काफी क्लोजली काम किया है और पिछले कई दिनों से बयानों पे बयान आ रहे हैं। लेकिन आज का जो बयान उनका है, ये उनका कोई ऑथेंटिक सोर्स होगा जिसको उन्होंने ये कोट किया होगा और उन्होंने खुद इस बात को माना है कि जनाब किसी भी वक्त जो है वो चुनाव का बिगुल बज सकता है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो गियर अप हो रहा है और इसमें सरप्राइज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 150 के करीब ट्रकें जो थी जिनमें ईवीएम थी और इलेक्शन रिलेटेड मटीरियल था कि वो कहीं ना कहीं पहुंच चुका है जी सिविल सेक्टर जम्मू। तो अगर आप इसके बैक यार्ड तक देखेंगे और इसको थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो आप याद रखिएगा कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने बाजाबा तौर पर वीवीपैट और ईवीएम मशीन को जम्मू कश्मीर भेजने के लिए प्लान चौकआउट किया था जिसमें डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया था, एक तो वो भी है। और फिर उसके बाद जिस तरीके की सरगर्मियां चल रही है, वोटर लिस्ट में रिविजन हो रहा है, इलेक्ट्रल रोल्स हमारे सामने आएंगे, फिर आज मीटिंग्स होंगी, तो ये सीधी सीधी बातें आने वाले ये दो चार महीने जो है ये पॉलिटिकली काफी एक्टिव रहेंगे और साल के आखिर तक अगर मौसम साजगार रहा तो चुनाव का बिगुल भी बज सकता है। अदरवाइज जैसे बीजेपी के कल सीनियर लीडर अशोक कोल साहब ने भी इस बात का इशारा दिया कि मार्च अप्रैल के अंदर जो है चुनाव होंगे, तो अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे 3 से 4-5 महीनों का वक्त है, तो डेट मीन्स तारिक कर्रा साहब ने कोई नई बात इसमें नहीं बताई है, लेकिन जरूर उसने कहा कि पांव तक भी पानी आ गया है और किसी भी वक्त अनाउंसमेंट हो सकती है। और यही एक्सपेक्टेशन न सिर्फ कांग्रेस के अंदर है बल्कि रीजनल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और अदर पार्टी नेशनल हुकअप की है, वो भी अंदर खाने तैयारियों में लगे हैं कि इलेक्शन कमीशन किसी भी वक्त जो है वो इस बात का ऐलान कर सकता है कि चुनाव होंगे और चुनाव की तैयारियां की जाए। तो सीधी सी बात है, आप ज्यादा देर तक इसको प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते हैं एलजी रूल को, गवर्नर रूल को, सीधा लग रहा है कि अगले साल के आते आते चुनावी बिगुल बजेगा, क्योंकि अब अगर ये महीना भी आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म हो रहा है, उसके बाद बचे कुछ आपके पास 3-4 महीने हैं जिसमें रिव्यू होगा, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग होगी, इलेक्शन कमीशन का दौरा जम्मू कश्मीर होगा, तो सीधी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने जो भापा है वो कहीं ना कहीं सही और इनके पास होगा, जिसको लेकर इन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि 150 गाड़ियां जो है वो इलेक्शन का साथ सामान लेकर जम्मू सेक्रेटरी पहुंच चुकी है। ठीक है इश्फाक, एक सवाल और आपसे लूंगा, आप तो चुनावों को कवर भी करते रहे हैं, हमारे सीनियर साथी भी हैं, क्या तारिक हमीद कर्रा साहब ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया चुनाव का समय नजदीक है और कांग्रेस भी इसको लेकर तैयारी कर रही है या कांग्रेस को तैयारी करनी होगी? देखिए, अगर कांग्रेस की तैयारियों में काफी वक्त लगेगा अभी, क्योंकि कांग्रेस को जो दचकागे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर वो सबके सामने हैं, फॉर्मर एमएलए मिनिस्टर्स,
सीनियर कार्डर जो है वो पार्टी से बाहर आ गया है। सेकंड रैंक लीडरशिप जो है वो कहीं ना कहीं अभी कांग्रेस के अंदर है और अभी पार्टी का स्ट्रक्चर कैसा होगा उस स्ट्रक्चर पर भी अभी कोई बात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर या जो इंचार्ज उनके रजनीश पाटिल उनकी तरफ से नहीं किया। कल जो श्रीनगर के अंदर मीटिंग हुई है उसमें भी काफी गहमागहमी हुई। तारिक खेरा साहब खुल के बोले कि जनाब अगर आपने कुछ भी करना होगा तो जो लीडर सभी मौजूद है इनकी मौजूदगी और इनको नजरअंदाज ना किया जाए अदरवाइज पार्टी नुकसान में होगी। तो अभी स्ट्रक्चर बनेगा, दो तीन महीने इनको उसमें लगेंगे, फिर चुनाव का बिगुल, अगर तारिक साहब की बात को सही माने चुनाव का बिगुल बजा है तो कांग्रेस तैयारी अब करेगी, ये दूसरा सवाल होगा उनके सामने। तो रेस्ट अगर आप दूसरी पार्टियों की बात करेंगे कांग्रेस को छोड़कर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्किंग प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, कभी सेंट्रल कश्मीर, कभी नॉर्थ कश्मीर, कभी साउथ कश्मीर, तो वो अपने पार्टी को इंटैक्ट रखे हुए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का एक इजलास शुरू हुआ, पोलिटिकल अफेयर्स कमेटी का इजलास हुआ, उसके बाद कोई एक्टिविटी मुझे ज्यादा वहां पर नजर नहीं आई, क्योंकि वो शायद वेटर पर है कि कहां पर कौन से पत्ते होंगे वो देख रहे हैं। बीजेपी का आपको पता है 24/7 इनका कार्डर लगता रहता है, किसी भी तरीके से मीटिंग सब दूसरी चीजें चलती रहती है। तो ये अभी बाय एंड लार्ज बड़ी पिक्चर है जो कश्मीर कॉन्वेक्स पर है जिसको सब लोग देख रहे हैं, लेकिन जरूर दस्तक आहिस्ता आहिस्ता करके कमीशन ने दे दी। बहुत बहुत शुक्रिया इश्फाक इस बातों को समझाने के लिए हमारे दर्शकों को, लेकिन इश्फाक ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया दस्तक धीरे धीरे हो रही है और जम्मू कश्मीर में किसी भी वक्त चुनाव हो सकता है। अभी इसका ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन करा साहब की तरफ से ट्वीट भी बाकायदा किया गया है, लेकिन ये तो वक्त ही बता पाएगा कि जम्मू कश्मीर में कब चुनाव होंगे, लेकिन हलचल काफी है और गुलिस्तान न्यूज आपको खबर लगातार बताते